बन मक्खन का मैं कैसे रेडी करूंगी। अली देखो बहुत पसंद है। देखें जी गौतम कितना अच्छा सा तैयार कर रहे हैं माशाल्लाह जी। आलू गोश्त बनाएंगे साथ चावल बनाएंगे यहाँ पर सारी नहीं करनी मेरी बच्चे ये एक सीनरी यहाँ पे आ गई है। ये चीज हाँ यहाँ पे प्यारी लगी। बड़ी अकल माशाल्लाह आज तुम अपनी अकल का सही मुजाहिरा किया। हाँ जान चलानी है। सही गल। अच्छा जी ये जनाब ये देखे मेरी छोटी बेटी मेरी गानिया की तबीयत ठीक नहीं है इसको बुखार हो गया मैं सदके जाऊँ मेरी जान को बुखार हो गया है तो जनाब बस मौसम तब्दील हो रहा है तो इस वजह से बच्चे हो रहे हैं बीमार। Taking shots at the enemy I'm gonna make it to the top leave a legacy If I got something to say you better let me speak Turn it up a new degree bitch you ain't seen anything I pop off with the new rock electronic blow the sonic roof बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मगाशी व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे खुश आबाद होंगे और बहुत अच्छी जिंदगी बसर करेंगे। जनाब आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो जनाब सहरी के लिए उठ गए हैं सहरी करते हैं उसके बाद आज शाम को हम बनाएंगे अफ्तारी के टाइम आलू गोश्त और चावल दही भले वगैरह बनाएंगे और उसके अलावा हमारे एक और बेसिक काम है जो हम लोगों से सिन्नी वगैरह लेके ऐसे डेकोरेशन पीस लगवाए थे आज हमने वो भी वॉल पर फिट करवाने हैं। बाबर भाई को मैंने रात का कह दिया है कि आपने कल आके काम करना तो इंशाल्लाह ताला वो आ जाके काम करेंगे। तो जनाब थ्रू आउट रूटीन आप खैर शेयर करेंगे तो आपने वीडियो को स्टार्ट एंड फुल वॉच करना है इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी लगेगी। अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक मेरे न्यू वीडियो जल्द से जल्द पहुँचे। तो जनाब व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आज मैं अब सहरी करूंगी बंद मक्खन के साथ क्योंकि बड़े दिन हो गए हैं बंद मक्खन के साथ मैंने ना नाश्ता नहीं किया तो नाश्ता कब करना ही नहीं सहरी करनी है तो आज दिल कर रहा था बंद मक्खन के साथ करूँ। जो लोग मेरी वीडियोस को स्टार्ट से फॉलो कर रहे हैं उनको तो पता होगा कि मैंने गर्मियों में बंद मक्खन कितना खाया डेली में बंद मक्खन खाती होती थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है चाय के साथ ना। कई लोग दूध के साथ भी पी लेते हैं लेकिन मुझे दूध के साथ इसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है तो ये मुझे खुद नहीं पता कौन सा होता है। चलो जी पता चल जाएगा थोड़ी देर तक। तो जनाब ये देखें जी मक्खन लग गया बटरिंग हो गई है बिस्मिल्लाह जी। बाकी सब लोगों ने सहरी कर ली है बस मैं और मामा रह गए हम दोनों सहरी कर रहे हैं तो मैंने आज का माजी दिल नहीं करा कुछ खाने को सालन तो आलू गोश्त भी पड़ा था साथ में आलू मटर मेथी का भी पड़ा था लेकिन मेरा नहीं दिल करता आज मैंने ना बंद मक्खन का मैं तैयारी करूंगी। अली देखो बहुत पसंद है खा ले खा ले खा ले। तो जनाब कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आप लोगों ने कभी भी बंद मक्खन के साथ या रसों के साथ सहरी की है। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख करोड़ शुक्र है आज रमजान है और इस टाइम का यकीन माने पता भी नहीं चला किस तरह ये टाइम गुजरता जा रहा है। दूसरा अशरा भी ख़त्म होने वाला है तो इस रमज़ान के इस महीने के सद के दिल से दुआएं कि अल्लाह पाक आप सबकी दिल की नेक ख्वाहिशात को पूरा करें दुआओं को पूरा करें और अल्लाह पाक हर इंसान को अपने सिवा किसी का मोहताज ना करें। सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन दुआ ये है कि अल्लाह ताला हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना करें और हमें अपने हाथों पैरों पर सलामत रखें। रिज़क तो बात की बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसान की सेहत होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह पाक सबको तंदुरुस्ती दे सेहत दे लंबी हयाती दे वालदैन को शोहर को बच्चों को बहन भाइयों को ससुराल वालों को सबको अल्लाह पाक ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे सेहत दे और सबकी ख्वाहिशात को पूरा करे दुआओं को पूरा करे आमीन सुम्मा आमीन आमीन कर लो आमीन। मेरी बेटी मेरे साथ बैठ के दुआ कर रही थी ना कहानी है। हेलो बंद हेलो अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग रमज़ान मुबारक रमज़ान मुबारक।
अलीज़े और उस्मान अब आकर सोए हैं। और इन्होंने सुबह कितने बजे तक सोना, इन्होंने उस्मान उठ जाता कोई 11-12 बजे तक उठ जाता है, और अलीज़े जनाब 2 बजे तक सोई रहती है, और इसको फिर उठाना बड़ा ही औखा होता है। इसको उठा अलीज़े जो है जनाब वो 2-2.5 बजे तक सोती है, फिर इसको 2 बजे उठा कर नाश्ता करवा कर फिर इनको ट्यूशन भेजती हैं। तो बच्चे सो गए, मैं भी इंशाल्लाह तब अपनी पिद्दी को लेकर सोने लगी। पिद्दी हेलो कदम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाद होंगे और बहुत अच्छी जिंदगी में। जनाब आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आलू उबाल रहे हैं यहाँ पर, हम लोग बना रहे हैं आज कढ़ी में आलू गोश्त और साथ में चावल। जनाब ये देखें जी गोश्त हम कितना अच्छा सा तैयार कर रहे हैं, माशाल्लाह। आलू गोश्त बनाएंगे साथ चावल बनाएंगे। यहाँ पे फलों के लिए हमने भलियाँ आलू तैयार कर लिए हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हमारा दूध छोड़े के लिए तैयार है माशाल्लाह माशाल्लाह। जनाब ये हम प्याज के लिए सामान तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे हम अपने चावल जो हैं वो निकाल रहे हैं जो हमने पकाने हैं अब आलू गोश्त के साथ। सुबहानअल्लाह ये देखिए प्याज वाले हमारा, वहाँ पर हमारा आलू गोश्त तैयार हो रहा है। आलू गोश्त मज़ेदार सा तैयार हो गया। अच्छा डाल दे पहले ये जनाब आलू गोश्त जो है वो हम बीच में डाल रहे हैं, ध्यान से छूटे पड़ना है। ये देखें जी आलू गोश्त हो गया, फिर तो हो गया आलू गोश्त। इसमें हमारा दही भले आ गए, बस अब रोज़ा खुलने का इंतज़ार। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुशबाद रखे, अल्लाह पाक सबकी दिल की नेक मुरादें पूरी करे, आमीन सुमा आमीन। अल्लाह पाक करम करे हम सब पर अपना। ये किसके लिए डाल रहे हो? एक और बैड न्यूज़ है कि मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। मौसम जैसे थोड़ा सा चेंज हुआ है तो जनाब उसकी तबीयत ख़राब होगी। ज़ुकाम नज़ला बुखार जो आपको पता है कॉमन बीमारी है बच्चों के लिए, जैसे ही थोड़ा सा वेदर चेंज होता है तो जनाब आपने इसके लिए दुआ करनी, अल्लाह पाक जल्द जल्दी सेहत और तंदुरुस्ती दें, आमीन सुमामी। जनाब ये देखें मेरी छोटी बेटी, मेरी गानिया की तबीयत ठीक नहीं है, इसको बुखार हो गया, मैं सदके जाऊँ मेरी जान को बुखार हो गया। तो जनाब बस मौसम तब्दील हो रहा है तो इस वजह से बच्चे हो रहे हैं बीमार। गानी को हम कह रहे हैं तादे पानी से पट्टियाँ। गानी मेरी पाली गानी आ गई थी मेरी जान, मैं सदके जाऊँ मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई गानी अकेली दे। हेलो तोड़े फोन है। तो जनाब अभी मैं सोई थी, सोकर उठी हूँ तो मामा ने अपना एक नया काम स्टार्ट किया। मामा कह रहे थे जो दिन हम डेकोरेशन पीस वगैरह लेके आए थे बाबा भाई को बुला लेते हैं और वो लगवा लेते हैं सीनरी वगैरह। बाबर भाई आ गए, अब वो सीनरी वगैरह लगवाते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ कौन सी चीज रखते हैं। फिर बाबर भाई देखे आते साथ दिए ना चेट की बजाय लगा ली थे और थे ला ली हाँ, थे ला ली।
जनाब इनको भी समझ नहीं आ रही कौन सी चीज कहाँ लगानी, जिस तरह ये चीजें लगाते हैं उस तरह उसने आपके साथ शेयर करते हैं कि कौन सी चीज और बाबर भाई माशाल्लाह से रोजे रख रख के कसम से सुख गए हैं। सही है ना, रोजे से बंदा कमजोर है। ये आठ पैर रोजे रखे थे ये तो हम तुम्हें बता रहे हैं। माँ जी हाँ बड़ी प्यारी लगी, बहुत प्यारी लगी माशाल्लाह। हाँ अभी ओके, कोई डिसाइड नहीं, हमने कौन सा पीस कहाँ पे लगाना है समझ नहीं आ रही, कौन सी चीज कहाँ पे अच्छी लगेगी। फिलहाल ये बाबर भाई ने दिल से निशान कर दिए। फोन करी पापा मुझे तो दिखाओ जरा, असल दीवार महंगी लगी सही है बिल्कुल। अच्छा जी ये वाली जो सीनरी है ना ये ऊपर हमारे घर से लेके आए हैं। हाँ जी आपने हमें गिफ्ट की है ना, गिफ्ट किया हमारे घर से उतार के कितने जाने में। ये 1.5 साल से हमने आपको गिफ्ट की थी, आज हमने आपसे वापस ले लिया। वो वाली जो आयतल कुर्सी की है थी ना वो हमने वहाँ पर लगा दी है, जो यहाँ पे लगी ही थी। अच्छा जी एक सीनरी लगी है, काम ऐसे थोड़ी होते हैं। सही बात है, काम बड़ी मेहनत से होते हैं। बाबर भाई पहले वो तो लगाया करो जो बीच में डालते होते हैं इसके है। व्हाइट कलर की स्ट्रिप। अच्छा भूल गए उसका नाम, गिट्टी गिट्टी गिट्टी। चले जी हमारी एक सीनरी यहाँ पे आ गई है, ये चीज हाँ यहाँ पे प्यारी लगी। सही हो गया। सुराख कर देना जो आ जाएगा ना इंशाल्लाह निकाल लूंगा। बच्चों को छुट्टी होगी ट्यूशन से, आज बाबर भाई ने छुट्टी क्यों दी है बच्चों को मुझे समझ नहीं आ रही। सुराख करो, कहाँ पर आपकी इफ्तारी, आपको भी लोग इफ्तारी पे बुलाते हैं। मैं सुन रहा था आपको सिर्फ बर्तन धोने के लिए इन्होंने आज आपकी इफ्तारी कर दी है, क्या बात है। बेशक माँ माँ ही, माशाल्लाह आपके हालात बहुत अच्छे हैं, आप इस तरह की एक्टिंग नहीं किया करें, हालात जैसे मर्जी हो। बड़ी अकल माशाल्लाह, आज तो अपनी अकल का सही मजा। हाँ जान सही गल। अच्छा जी ये वाले की हमें समझ नहीं आ रही किसको हम कहाँ पर लगाएं। मैं क्या लग जाए थले सिंदरी लग जाए। चलो जी लेट्स सी अब क्या बनता है, देखें जी। दीवाना सोना लगाई।
वापस फाइनल मम्मी ये वाली यहाँ पे आ गई है, वो ऊपर चला गया है। अब वहाँ पे एक लग रही है क्लॉक। और शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपने हमारी बड़ी टेंशन परेशानी दूर की है। ठीक हो गया, हमारी नींद खराब की है ये को। तो आपकी तो नींद खराब होती रहती है आपकी है? मैं सुबह 6:30 बजे का उठा हूं। अच्छा, नींद आपकी खराब है। आसमान यहाँ पे ऊपर खड़ा हो गया है। अब नीचे डालो, ये देखो जरा। अच्छा, क्यों रो रहे हो? नीचे डालो। अच्छा जी, ये हमारी सेटिंग हुई है। अब आपने बतानी कमेंट बॉक्स में कि आपको अच्छी लगी है या नहीं अच्छी लगी। कोई चीज अगर चेंजिंग हो सकती है तो आप बता सकते हैं। सामने वो वाले फ्लावर जो मुझे लेके आए थे, ये हमारी बच्चे नीचे डालो। यहाँ पर हमने अपनी ये वाली सीनरी लगाई है, ये हमारी पुरानी पड़ी ही थी। बताना आपने सेटिंग आपको अच्छी लगी है या नहीं अच्छी लगी। ये हमारी सेटिंग होगी माशाल्लाह। जी सैंडविच आए हैं अलीदे के लिए, उस्मान के पापा। उसके लिए क्या लेके आए हैं? ये खाना लेगा है। ये आपका खाना है? सैंडविच आपके हैं? मैंने दिए है। ये आपने खाने? फिर करते हैं जबरदस्त, अब हम खा लें। मेरे सर में दर्द हो रही है बस, दूसरे वाली कौन सी बात आटा। अच्छा खा ले मेरा बेटा, खा लो ना पहले। निधि आप खा लो, चलो सामान आप खा लो, आ जाओ नहीं तो मैं सामान को दे दूंगी। बिस्मिल्लाह, ये आई होप कि आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई तो उसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसको शेयर कर दें और मेरे चैनल माकाशी व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक मेरी न्यू वीडियो जल्द से जल्द पहुंच जाए। जनाब व्लॉग को करते हैं यहाँ पर खत्म। कल मिलेंगे आपके नए व्लॉग के साथ, एक नए रूटीन के साथ। माकाशी अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।